रुपए की रकम कोई छोटी नहीं होती। एक विद्यार्थी के लिए 500 रुपए की रकम कोई छोटी नहीं होती। 500 रुपए से कई दिन मौज मस्ती करता, आइसक्रीम खाता, जैसे भी करता, कई दिन मौज मस्ती कर सकता था। और इसको किसी ने देखा भी नहीं था, ऐसा नहीं कि इसे देख लिया हो हमने कि ये 500 रुपए कैसे हैं। इसके लिए हमने कम से कम 5 दिन तक सीसीटीवी कैमरे लगाए कि वो रुपए किसके हैं। और अंततः हमें एक बच्चे के जेब से वो गिरते हुए पैसे दिखाई दिए सीसीटीवी में। वो सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास है जिसमें किस तरीके से एक बच्चा आपको दिखाई देगा यहाँ से, लेकिन किस तरीके से एक बच्चा जो है वो घूमता हुआ जा रहा है और उसके जेब से किस तरीके से रुपए निकल के गिरते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद में ये बच्चा पीछे से निकलता है और ये रुपए उठा के और मेरे को लाके जमा कराता है। पूरा उसका सीसीटीवी वाला फुटेज है। इसको हमें अलग अलग कैमरों से अलग अलग एंगल से ढूंढने के लिए कम से कम 4 से 5 दिन लगे, क्योंकि हमारे पास कोई रुपए का गणित नहीं आया था, कोई हमारे से मांगने नहीं आया था कि 500 रुपए खो गए। तो हमारे सामने संकट ये था कि आखिर ये रुपए किसके हैं और कहां गए। तो उस एरिया के आसपास के जो कैमरे थे उनको हमने खंगाला। देखा जाए तो आज इस आधुनिक टेक्नोलॉजी के युग में जहां पे आपकी उम्र हर जगह, जहां भी आप कहीं भी खड़े हो इस कैंपस में आपके ऊपर एक कैमरे की नजर है। हमारे पीडीआई को ये जो की आंखें तो है ही, एक कैमरा आपके पास बहुत नजर में है कि कौन बच्चा कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, क्या उसकी एक्टिविटीज है। अगर आप सड़क पे भी ऐसा करो, पिछले साल भी एक इस तरह का बच्चा आया था, आप रोड पे भी करते हो तो रोड पे भी सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। जब भी कोई दुर्घटना या घटना आसपास के एरिया में होती है, किसी की भैंस चोरी होती है, किसी का पता नहीं कुछ और चोरी होता है, तो पुलिस वाले यहीं आते हैं, हमारे कैमरे दिखाओ। तो यहाँ पे आपको अलर्ट रहने की जरूरत है और अलर्ट रहने के साथ साथ आप पुरस्कार भी जीत सकते हैं। समझिए बात आप। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह, इस बच्चे ने जिस तरीके से ईमानदारी का परिचय दिया, ठीक है पैसे मांगने वाला तो कुछ आया ही नहीं था, तो इसकी शानदार ये और दूसरे बच्चे के लिए प्रेरणा है। इस तरह की प्रेरणा लेके आप 500 रुपए बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन आज इसका जो सम्मान यहाँ पे होगा और ये जो वीडियो ये सब बनाया जा रहा है, ये इसके ईआरपी सॉफ्टवेयर पे अभी इसके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। तो इसके पेरेंट्स को जो प्राउड फील होगा वो 500 का नहीं बल्कि कई हजारों का होगा। तो आप भी 500, 100, 200, 400 में देखना होगा, बच्चे चोरियां करते हैं, पैसे निकालते हैं और एक तरफ दूसरी तरफ ऐसे बच्चे हैं जिनको पैसा मिल जाता है उसको भी लौटा देते हैं, साहब ये मेरा नहीं है। तो इस तरीके के बच्चों से, इस तरीके के विद्यार्थी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें सीखना चाहिए कि हमें भी इस तरह का बनना है, ईमानदार बनना है। जो पैसा आपका नहीं है उसको लौटाना है, कितने दिन काम चल जाएगा उससे, 10 दिन के बाद क्या करना, आदत और खराब हो जाती, चावल उठा दिया। तो सबसे पहले इस बच्चे को हम गोल्ड मेडल पहना के यहाँ पे इसका सम्मान करेंगे, गोल्ड मेडल के साथ सम्मान करेंगे। Thank you.